दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट के लिए जो है बड़ी खबर आ रही है आपका आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पर। दोस्तों, यह बिल्कुल ऑफिशियल खबर है, आप देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त मैं आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर जो आपका नोटिस जारी किया गया है 2/3/2020 का, आप क्लियरली यहाँ पर डेट देख लीजिए। सबसे पहले तो 2/3/2020 का डेट है, यानी कि आज ही का डेट है। CEN 1/2019 के नाम से यह आपका वैकेंसी आया था और यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हेयर फॉर टेंडर नोटिस। तो दोस्तों, आपका टेंडर जो है जारी कर दिया गया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो बहुत जल्द हो सकता है। मैं इस नोटिस को आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेलवे के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। आरआरबी चेन्नई के द्वारा जो यह नोटिस है, डेटेड 2/3/2020, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, एक्टिंग फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्वाइट्स ओपन ई टेंडर इन टू पैकेट सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई के चेयरमैन जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो एक्ट करते हुए यह टेंडर जारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द वर्क, एंगेजिंग ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका CBT के लिए जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का यहाँ जो है आप यह वर्क के लिए जो यह नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, 2 अरब से भी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल कॉस्ट जो है इस टेंडर का 20,000 है, यानी कि जो इस टेंडर को डालेंगे उसे 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे, वो नॉन रिफंडेबल होगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो आपके ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है 2 ईयर्स का है, यानी कि 2 साल में किसी भी तरह से सारे काम कम्प्लीट कर देने, यानी कि आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सारी प्रोसेस इसी टेंडर के द्वारा करवाई जाएगी। जो भी टेंडर लेंगे वही जो आपका सब कुछ करवाएगा। तो दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप देख सकते हैं डेट ऑफ इशू 2/3/2020 आज ही का है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न क्वेरीज आपका 12/3/2020 है। तो आपका 12/3/2020 तक जो है लास्ट डेट है, जो भी मतलब आप क्वेरी के लिए डालेंगे, जो भी लोग टेंडर लेना चाहेंगे उसके लिए जो है 12/3/2020 तक है, यानी कि आपका इसी मंथ के 12 तारीख तक। दोस्तों, इसके बाद जो है आप आगे पढ़िएगा, तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑफर्स बिड्स थ्रू ई टेंडर ऑनलाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 16/4/2020 तक जो आपका लास्ट डेट है आपका टेंडर ले सकने का। तो यानी कि 16/4/2020 आपका अप्रैल में 16 तारीख से पहले टेंडर फाइनल हो जाएगा किसी भी हाल में। तो दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर 16 अप्रैल तक टेंडर फाइनल होता है तो ज़रूर है कि आपका जो अप्रैल के बाद आप कह सकते हैं मई में एग्जाम शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, यह काफ़ी बड़ी खबर है, तो आप लोग वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप टाइम एंड डेट ऑफ, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो भी टेंडर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लिए अगर कोई भी एजेंसी 75% जो उससे या फिर उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखती है तो उसे टेंडर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में यह फिक्स नहीं है कि आपका जो है TCS ही एग्ज़ाम लेगा, कोई भी ले सकता है जिसके पास की यह कैपेबिलिटीज हो। तो दोस्तों, यह काफ़ी बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।